चाइनीज झालरों के आगे बाजार में मिट्टी के दीयों की बिक्री पर भारी अब असर पड़ रहा है। इससे उन्हें बनाने वाले कारीगरों पर रोजी रोटी का संकट मंडरा रहा है। ऐसे में इसको बनाने वाले कुम्हार परिवार लोगों ने अपील की है कि मिट्टी के दीपक ही खरीदें, दीपावली पर पारंपरिक रूप से दीप प्रज्वलित करें। चाइनीज दीपक, मोम के दीपक इन्हें ना खरीदें ताकि इनके घर पर भी रौनक हो, दिवाली वो मना सकें। दीपावली का त्यौहार करीब आते ही कुम्हारों ने जोर शोर से तैयारियां शुरू कर दी हैं। अब उनके चाक तेजी से घूमने लगे हैं और वे मिट्टी के दिए और मूर्तियां बनाने में जुट गए हैं। लेकिन चाइनीज लाइटें और मोम दीपकों की वजह से अब कहीं ना कहीं इन्हीं को नुकसान उठाना पड़ रहा है। लगा हुआ हूँ, बच्चों का इसी से कार्य होता है, दीपक से, दूसरे ये सकोरे वगैरह है इनसे। बाकी पहले ये ऑनलाइन दीपक और मोम दीपक, ये चाइनिंग दीपक जो अभी बिक रहे हैं, इससे हमारे मतलब धंधे में काफी असर पड़ता है। गीली मिट्टी को उंगलियों से नया आकार देने वाले कुम्हार आज अपनी कला को बचाने के लिए अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। चाइनीज झालरों के बढ़ते चलन और मिट्टी सहित दूसरे सामानों की बढ़ती कीमतों के चलते मिट्टी के दीयों की डिमांड साल दर साल घटती जा रही है। ऐसे में सदियों से पारंपरिक पेशा से जुड़े कुम्हार समाज के सामने रोजी रोटी का संकट गहराने लगा है, जिसके चलते भीलवाड़ा में सालों से दीपक बनाने वाला प्रजापत परिवार की अगली पीढ़ी भी अब इस व्यवसाय से दूर हो रही है। वहीं काम से जुड़े लोगों से अपील है कि वो मिट्टी के दीपक खरीदे ताकि उनकी दिवाली भी रोशनी से भरी रहे। जैसे हमारे पिताजी आगे से कम 60-70 साल से मिट्टी का कार्य करता आ रहे, इस कार्य में हम भी लगे हुए हैं। हमारा परिवार का पालन पोषण इसी से चलता है, हमारे बच्चे की पढ़ाई लिखाई सब इससे होती। जनता से अपील है कि आप मिट्टी का दीपक ही काम में ले, चाइनीज दीपक, मोम के दीपक ये काम ना ले, क्योंकि हम भी इस दीपक में शुद्ध दीपक है, इससे ही हम हमारा गुजर बसर चलाते हैं। और सब शहर वासियों से ये अपील है कि मिट्टी के दीपक ही काम में ले। मिट्टी का दीपक शुद्ध माना जाता है, पूजा में यही काम आता है, इसको ही शुद्ध माना जाता है, और तो सब दिखावा है। बाजारों में इलेक्ट्रॉनिक झालरों की चमक दमक के बीच मिट्टी के दीपक की रोशनी धीमी पड़ती जा रही है। लोग दीपक का उपयोग महज पूजन के लिए करने लगे हैं। हम हमारी दिवाली मनाएंगे, खुशहाली से मनाएंगे, पर जब हम दीपक खरीदेंगे और इन दीपक को हमारे घर में ले जाएंगे, तब जाकर इस कुम्हार परिवार की दिवाली बनेगी। इन्होंने अपील की है कि अधिक से अधिक लोग यहाँ पर पहुंचे और इनके दीपक खरीदे। न्यूज 18 राजस्थान के माध्यम से हम भी अपील करेंगे कि जो पारंपरिक दीपक है, जो मिट्टी के दीपक है, हम वही उपयोग में लाए ताकि प्रदूषण को भी बचा सके और इनके परिवार का लालन पोषण भी हो सके। जोड़े जन शंकुर सनाटे के साथ राहुल कौशिक, न्यूज 18 भीलवाड़ा। कुछ मिठाइयां अपने क्षेत्र के नाम से काफी फेमस होती हैं और इसी तरीके से बीकानेरी भुजिया काफी मशहूर है, नवलगढ़ के राजभोग मशहूर है, आगरा का पेठा लोगों को काफी पसंद है, तो वहीं चिड़ावा के पेड़े भी काफी मशहूर हैं। चिड़ावा के पेड़े इतने खास क्यों हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। दिवाली के सीजन में मिठाई की बात चलती है तो जुबान पर झुंझुनू के चिड़ावा का नाम जरूर आता है। झुंझुनू जिले के अधिकांश कस्बे किसी न किसी मिठाई के लिए प्रसिद्ध हैं, लेकिन यहाँ के पेड़े और राजभोग की अलग पहचान है। चिड़ावा के पेड़ों की खासियत भी अनूठी है। यहाँ के पेड़े में दो आंखें होती हैं, यानी पेड़े में अंगुली का निशान एक नहीं बल्कि दो होते हैं, बाकी देश में कहीं भी ऐसा नहीं होता है। चिड़ावा के कारोबारी इसे दो आंख वाला पेड़ा कहते हैं, यानी दो अंगुलियों के निशान सिर्फ चिड़ावा के पेड़ों पर ही होते हैं। हालांकि देखा देखी में अब कई जगह दो निशान लगने लगे हैं, लेकिन चिड़ावा के पेड़ों की दो आंखें देखते ही इसके मुरीद इसे पहचान लेते हैं। दो आंख के अलावा चिड़ावा का पेड़ा साइज में बड़ा और चपटा होता है। राजस्थान के साथ साथ हरियाणा दिल्ली जाने वाली बसों में पेड़ा राजस्थान से बाहर जाता है। इसका दो तीन कारण है, तो बनाने का तरीका है और एक चिड़ावा का जलवायु और पानी सबसे बड़ा निर्भर इसके ऊपर करता है। अगर ये ही भूत अपने लुहारू से आगे लाएंगे पेड़ा नहीं बैठेगा, इधर सिक्कर से लाएंगे तो उसका पेड़ा नहीं बनेगा। इसका पानी का भी बहुत बड़ा इसमें सहयोग है।
पेड़ों की डिमांड तो बहुत ज्यादा है, कारीगर तो हमारे पास ऑर्डिनरी रहते हैं, उससे कोई 5-7% ही बढ़ा सकते हैं, बाकी अक्सर हम कारीगर नहीं लाते। हमारे पास तो हमारे जो ऑर्डिनरी रहते हैं वो भी कारीगर रखते हैं, क्यों उनको बनाना ज्ञान होता है। अनूठे स्वाद की वजह से चिड़ावा के पेड़ों की पहचान मिली और इसकी डिमांड बढ़ी, जिसके कारण चिड़ावा में पेड़े बनाने का काम बढ़ता गया। चिड़ावा के पेड़े से क्षेत्र के हजारों लोगों को रोजगार मिला हुआ है। पशुपालक से लेकर दूध सप्लायर, मावा तैयार करने वाले और फिर पेड़ों की पैकिंग करने से लेकर उसकी सेल करने तक से जुड़े लोगों को रोजगार मिला हुआ है। चिड़ावा कस्बे में कम से कम 50 कारोबारी ऐसे हैं जो सिर्फ मावा ही बनाते हैं। यहां से तैयार मावा पेड़ा कारोबारियों तक पहुंचता है, इसके बाद पेड़ा कारोबारी उसकी गुटाई करके पेड़े तैयार करते हैं। चिड़ावा एरिया में अकेले दूध के कारोबार से 200 से अधिक सप्लायर जुड़े हुए हैं। हम जब भी चिड़ावा आते हैं तो हम पेड़ा ही खरीदते हैं। ये मावा का पेड़ा बनता है और ये इतना सिक्योर है, इतना इसको काफी दिन तक अपन रख सकते हैं और बहुत बढ़िया पेड़ा है। एक बार आदमी खाए, हेल्थ से हेल्थ कॉन्शियस है ये, मतलब आदमी अगर एक बार खाए तो उसको बार बार खाने की इच्छा होती है। चिड़ावा के पेड़ों की एक अहम विशेषता ये भी है कि ये जल्दी खराब नहीं होते। इसकी वजह शुद्ध मावा, यहाँ का पानी, दूध और उसकी घुटाई को माना जाता है। त्योहारी सीजन के अलावा साल भर चिड़ावा के पेड़ों की डिमांड देश भर से आती रहती है। चिड़ावा में पेड़ा बनता है, उसके कारीगर हैं, वो दिन रात पेड़ा बनाने में जुटे हुए हैं, क्योंकि दिवाली के सीजन के ऊपर पेड़े की खासी डिमांड रहती है, तो कारीगर हैं वो पेड़े बनाने में जुटे हुए हैं। करसन सिंह शेखावत, न्यूज 18 राजस्थान, झुंझुनू। खबर बागपत से है, जहां पर छात्रा का पीछा कर रहे लड़के की जमकर पिटाई हो गई। परिवार ने मंचले को पकड़कर लात घूसों से सरे बाजार में पीट दिया। मामला सिंघावली अहीर थाना इलाके का है। बताया जा रहा है कि लड़का कई दिनों से पीछा कर रहा था, वहीं मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। उधर बाऊगंज का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में पुलिस चौकी में लुंगी पहने दरोगा जी दिखाई दे रहे हैं, तो वही फरियाद लेकर थाने पहुंची महिला को दरोगा जी फटकार लगाकर भगा देते हैं। वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने जांच के निर्देश दिए। पूरा मामला हाटा पुलिस चौकी का बताया जा रहा है। राजसमंद जिले के देवगढ़ शहर में दुनिया की सबसे तेज उड़ने वाली चिड़िया अल्पाइन स्विफ्ट नजर आई। ये पक्षी अपनी लंबी दूरी की उड़ान के लिए जानी जाती है। हर साल स्विट्जरलैंड से लेकर साउथ अफ्रीका तक 200 दिनों की लंबी यात्रा करती है। देवगढ़ के पूर्व राजघराने के राव और पक्षी प्रेमी वीरभद्र सिंह ने इस दुर्लभ पक्षी की पहचान की। उन्होंने बताया कि अल्पाइन स्विफ्ट अपनी तेज गति और लंबी दूरी की उड़ान के लिए जानी जाती है। ये पक्षी हवा में ही सोती है, हवा में ही खाती है और बिना रुके हजारों किलोमीटर का सफर तय कर सकती है। इस चिड़िया को कहते हैं एल्पाइन स्विफ्ट। मैंने आज से कोई 15-20 साल पहले एक बार कुंभलगढ़ में इसको देखी थी और ये चिड़िया जो है फ्लाइट में, मतलब जब उड़ते, वैसे तो पेरेग्रीन फाल्कन डाइव में 250 किलोमीटर प्रति घंटा अचीव करता है, परंतु ये चिड़िया फ्लाइट में 120 किलोमीटर प्रति घंटा कर सकती है, इसलिए इसको सबसे दुनिया की तेज उड़ने वाली चिड़ियों में से माना गया है। हापुड़ से एक हैरत अंगेज खबर सामने आई है। दावा है कि यहां पर एक नागिन लोगों को निशाना बना रही है। ग्रामीणों का दावा है कि नागिन ने पिछले एक हफ्ते में 6 लोगों को डस लिया, जिसमें 3 लोगों की जान जा चुकी।
लोगों का कहना है कि शुक्रवार को भी नागिन ने एक महिला को काटा, जिसे अब अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हापुड़ के इस गांव के लोगों की रात की नींदें उड़ी हुई हैं। लोग घरों में सोने के बदले रात रात भर जाग रहे हैं। पूरा गांव दहशत में जी रहा है और हर किसी के माथे पर शिकन है। सदरपुर गांव पिछले एक हफ्ते से डर के साए में जी रहा है। रात होते ही सदरपुर गांव सहम उठता है, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से यहां तीन लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ग्रामीण दावा कर रहे हैं कि इसके पीछे एक नागिन का हाथ है, जो गांव के लोगों के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है और लगातार लोगों को डस रही है। शुक्रवार को भी सदरपुर गांव की एक महिला को अस्पताल पहुंचाया गया। लोगों ने बताया कि उसे उसी नागिन ने काटा है। उसी का नतीजा है कि ग्रामीण रात रात भर जाग रहे हैं। नागिन को तलाशा जा रहा है, लेकिन अभी तक उसका कोई सुराग हाथ नहीं लगा है, जिससे लोगों का डर बढ़ता जा रहा है। हर वक्त किसी अनहोनी की आशंका घेरे रहती है। वहीं वन विभाग की टीम भी गांव में ही मौजूद है और सांप को पकड़ने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं। मैं और मेरी टीम वहीं पर थी गांव में, लेकिन दूसरी तरफ की एक जगह की सूचना आई हुई थी, मैं उस समय उधर था। मेरी टीम यहीं पर थी, मेरे साथ में जो रेस्क्यू करने वाली टीम है वाइल्ड लाइफ की, WWF की, वो लोग भी थे। जहाँ पर महिला को बताया गया था यहाँ पर किसी कीड़े ने या जिसने भी काटा, तो वहाँ पर कोई भी सांप आपकी पूरी तलाशी कर ली, कोई सांप आपको नहीं दिखाई दिया। लेकिन उसके बाद भी हमने यहाँ से एम्बुलेंस से शेषी गढ़ में उन्हें भेज दिया, वहाँ उनका ट्रीटमेंट चल रहा। पिछले दिनों वन विभाग ने एक सांप को पकड़ा था, जिसे वो अपने साथ ले गई थी, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि करेत प्रजाति की नागिन है, जो लोगों को अपना शिकार बना रही है और वो अभी पकड़ से दूर है। वहीं सांप को पकड़ने के लिए वन विभाग सपेरों की भी मदद ले रहा है, लेकिन अभी तक कामयाबी हाथ नहीं लगी है। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले दिनों एक ही परिवार के तीन लोगों को सांप ने काटा, जिससे तीनों की मौत हो गई। रविवार को नागिन ने घर में अपने बेटा बेटी के साथ सो रही माँ को डस लिया था। वहीं सोमवार की रात सांप ने एक शख्स को डसा। घर वाले उसे समय रहते अस्पताल ले गए, जिससे उसकी जान बच गई। अब दावा किया गया है कि अगले दिन उसकी पत्नी को भी सांप ने काटा, उसे भी अस्पताल ले जाया गया, जिससे दोनों की जान बच गई। ग्रामीणों के बारे में हम यही कहना चाहेंगे, अभी जैसे कई लोगों को हमने वैसे ही चप्पल में और वैसे ही घूम रहे, जो भी अपना जूते उते पहन के घूमे, थोड़ा यहाँ वो है ज्यादा कूड़ा कबाड़ा उसमें ना घुसे। सर, महिला के जो हाथ पर काटा गया था, उस पर जो निशान थे, वो आपका क्या कहना है? अभी वो हमने निशान पूरी तरह से देखे नहीं है, उन्हें वहाँ भेज दिया, वो डॉक्टर साहब बताएंगे उसके लिए। सांप को पकड़ने के लिए वन विभाग की 5 टीमें गांव में मौजूद हैं, लेकिन सांप का डर है कि जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। सदरपुर गांव में नागिन का इस कदर खौफ है कि पूरा गांव रात में एक जगह इकट्ठा होकर सोने को मजबूर है। कई लोगों के गांव से पलायन करने की भी खबरें हैं। हापुड़ से न्यूज 18 के लिए विपिन गिरी की रिपोर्ट। कानपुर में सड़कों पर बाइक गैंग के हुड़दंग का वीडियो सामने आया है। कई बाइक पर सवार लड़के ट्रैफिक नियमों को ताक पर रखकर बिना हेलमेट के स्टंट करते हुए बाइक लहराते हुए नजर आ रहे थे और इसी के साथ पटाखे और बम फोड़कर दहशत फैला रहे थे। इस मामले में पुलिस ने 12 लोगों पर यहां पर केस दर्ज किया है। 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। 2 बुलेट बाइक को सीज किया है। बाकी आरोपियों की भी तलाश की जा रही है। आज एक प्रेमिका अपने प्रेमी की हैवानियत का राज खोलेगी, जिसके प्रेमी ने घर में घुसकर प्रेमिका के साथ वो किया जो थर्रा देगा। बार बार प्रेमी धमकी देता था, कहता था तुम्हें मेरी गुलाम बनना है, जो मैं कहूंगा तुमको वही करना होगा। प्रेमिका को इनकार की धमकी मिली और उसके बाद ये खौफनाक सजा भी। साइको लवर का फरमान, प्रेमिका बने उसकी हुक्म की गुलाम, लिव इन पार्टनर की हैवानियत,
चाकू से दनादन वार, मोहब्बत आर पार। सन की आशिक का खौफनाक इंतकाम, साइको लवर का बदलापुर। इश्क की वो दास्तां जिसका अंजाम इतना खौफनाक निकला, एक लवर जो अपनी ही लव स्टोरी का विलन बन गया, जो पहले आशिक था लेकिन उसने सनक में ऐसी हैवानियत की कि खुद लड़के की प्रेमिका उसके वशीपन की कहानी सुना रही है। 5 तारीख को मारा था उसने, तो उसकी कंप्लेंट डाली थी मैंने, तो उसने मुझे गन्नेवाड़ी में मारा था, उसकी कंप्लेंट चल रही थी, वो पकड़ाई में नहीं आया था पुलिस के, और पुलिस भी एक्शन नहीं ले रही थी, और फिर वो धमकी देता था तुझे मार डालूंगा। घर में घुसकर प्रेमी ने अपनी प्रेमिका पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए। इरादा कत्ल का था लेकिन प्रेमिका की किस्मत अच्छी थी कि उसकी जान बच गई। कौन था ये, कौन व्यक्ति है? भंडोरा का था, राजकुमार जांगड़े। अच्छा, आप परिचित हैं इनसे? कौन है आपके साथ? हाँ, एक साल था वो रिलेशनशिप में था। हाँ। उसके साथ कोई शादी वादी कुछ नहीं हुई। हाँ। उसके साथ नहीं रहने लगी मैं, तो मुझे जबरदस्ती करके वो। प्रेमी अपनी ही मोहब्बत का दुश्मन क्यों बना? क्यों प्रेमिका की जान लेने पर आमाद हो गया? लड़की और उसका प्रेमी दोनों रिलेशनशिप में थे, दोनों 1 महीने से लिव इन पार्टनर थे, बैतूल के बडोरा इलाके में रहते थे, लेकिन लड़के की हरकतों से तंग आकर लड़की अपने घर चली गई। इधर आए दिन प्रेमी अपनी प्रेमिका को परेशान करने लगा, प्रेमिका लड़के से सारे रिलेशन तोड़कर चली गई। बस यही बात प्रेमी को तिलमिला गई, बार बार प्रेमी धमकी देता था वो प्रेमिका को मार डालेगा। आज मैं घर पे थी, मेरे मायके में थी घर पे, तो मैं खाना खा रही थी, वो एकदम से आया और उसने मेरे पे हमला करा चाकू से उसने मुझे मारने की कोशिश की। एक दिन अकेला पाकर लड़की को घर में घुसकर हमला किया और भाग गया। वो तो गनीमत रही कि लड़की की माँ घर पहुँच गई और उसे फौरन अस्पताल ले गई। प्रेमिका की बात नहीं करने, नजरअंदाज करने की ऐसी खौफनाक सजा दी। सिरफिरे का बदलापुर दिल दहला देने वाला है। बीकानेर मिठाई और नमकीन के लिए पूरी दुनिया में विख्यात है, तो वहीं बीकानेर की एक और ऐसी चीज है जिसकी डिमांड पूरे देश में है, वो है बीकानेर में बनने वाली फुलझड़ियां। दीपावली के दौरान यहां की फुलझड़ियों की मांग बढ़ जाती है और इसको पूरा करने के लिए फुलझड़ी बनाने वाले कारखानों में रात दिन कारीगर काम कर रहे हैं। बीकानेर अपनी हवेलियों, मिठाइयों और भुजिया के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ की फुलझड़ी भी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। बीकानेर में बनने वाली फुलझड़ियों की मांग प्रदेश के साथ ही दिल्ली, हरियाणा, यूपी सहित देश के अन्य राज्यों में है। आलम यह है कि मांग को पूरा करने के लिए इन दिनों फुलझड़ी बनाने वाले कारखानों में दिन रात कारीगर काम में जुटे हुए हैं। प्रदेश से, बीकानेर शहर से और भारतवर्ष के विभिन्न कोनों से हमारे पास उम्मीद के साथ ऑर्डर आ रहे हैं और हमने भी अपनी फुलझड़ी का पूरा स्टॉक तैयार रखा है कि जैसे ही डिमांड आती है हम उसको सप्लाई कर सके। वहीं बाजार में पटाखों की दुकान सज चुकी है। दुकानदारों का कहना है कि बीकानेर में बनी फुलझड़ियों की क्वालिटी बाहर से आने वाली फुलझड़ियों से बेहतर है और इनकी मांग बनी हुई है। इस बार ज्यादा क्रेज फुलझड़ी का है यहाँ पे, क्योंकि इसमें एक तो रिस्क फैक्टर बिल्कुल नहीं होता, कोई हाथवा जलने का रिस्क नहीं है, दूसरा इस बार काफ़ी तरह की फुलझड़ियाँ निकली है यहाँ पे, जैसे क्रैकलिंग में निकली है, अपने नॉर्मल फुलझड़ी होती है रेड एंड ग्रीन कलर में, अलग अलग कलर्स में निकली है काफ़ी। इस बार फुलझड़ी का रुझान ज़्यादा देखने को मिल रहा है बच्चों के प्रति। बीकानेर में एक नंबर क्वालिटी का प्रोडक्शन होता है, उसमें कोई दो राय नहीं है और मतलब एकदम गारंटी वाली चीज़ मिलती है, कोई उसमें कोई ये नहीं होता कि किसी प्रकार का भी कोई अपने कहते हैं ना कि जैसे कोई ख़राब चीज़ हो, वो चीज़ नहीं होती। पटाखों के बिना तो शायद ही किसी ने दीपावली मनाई हो। देश भर में जब भी पटाखों की बात होती है तो सबसे पहले लोगों के जहन में शिवकाशी का नाम आता था, लेकिन दुनिया भर में अपनी हवेलियों और भुजिया के लिए प्रसिद्ध बीकानेर की फुलझड़ी भी अपनी अलग पहचान बना रही है। न्यूज 18 के लिए बीकानेर से विक्रम जागरवाल की रिपोर्ट। ओडिशा में चक्रवाती तूफान दाना ने तबाही मचाना शुरू कर दिया है। ये तूफान 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से
भीतकारिका और धामरा के तटों से टकराया। इससे पहले ओडिशा में 25 साल पहले सुपर साइक्लोन आया था, तब करीब 2 करोड़ लोग प्रभावित हुए थे और 10,000 से ज्यादा लोगों को जान गंवानी पड़ी थी। उस आपदा से सबक लेते हुए ओडिशा ने पिछले 25 साल में खुद को कितना तैयार किया है कि आपदा प्रबंधन के मामले में पूरे देश में रोल मॉडल की तरह काम कर रहा है। ...120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार। समंदर से उठती हाहाकारी लहरें, तबाही मचाने को अमादा चक्रवाती हवाएं, दाना आया दहशत लाया। ये कुदरत के उस मिजाज की तस्वीरें हैं जहां किसी का बस नहीं चलता। दाना साइक्लोन की सनसनाती हवाएं और उन हवाओं के प्रभाव से उठती समंदर में लहरें तस्दीक कर रही हैं कि चक्रवाती तूफान के टकराने की ताकत क्या होती है। बंगाल की खाड़ी में बने इस प्रचंड तूफान से निपटने की तैयारियां तो बड़ी थी, लेकिन कुदरत की ताकत के आगे कोई तैयारी काम नहीं आती। और ऐसा ही कुछ दाना नाम के चक्रवाती तूफान ने भी कर दिखाया। 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जब ये तूफान ओडिशा के तट से टकराया तो दिल दहला देने वाली तस्वीरों से लोगों का सामना हुआ। रात को 11-12 बजे के आसपास दाना जो है वो अपना कहर दिखाना शुरू किया और जो लैंडफॉल है वो लैंडफॉल भीतरकर्णिका और धामरा के बीच में हुआ है। वहाँ पर तेज़ हवाएं चल रही थी और उसके साथ काफ़ी बारिश हो रहा था। न सिर्फ ये जगह भद्रक, केंद्रपारा, धामरा, पूरी में भी बारिश हुआ। दाना तूफान की चक्रवाती हवाओं और भारी बारिश का असर ये हुआ कि केंद्रपारा में तट पर बांधी गई 15 से ज्यादा नावें डूब गई। केंद्रपाड़ा के अलावा पुरी और भुवनेश्वर में भी भारी बारिश ने बड़ी तबाही के संकेत देना शुरू कर दिए हैं। खबर तो ये भी आ रही है कि तेज बारिश और तूफान ने भद्रक में जबरदस्त तबाही मचाई है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि अब ये तूफान जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे तबाही और बर्बादी के निशान पीछे छोड़ता जाएगा। चक्रवाती तूफान दाना का असर अब कोलकाता पर भी दिखने लगा है। ये तूफान कल देर रात उड़ीसा के भद्रक के पास जमीन से टकराया, जिसके बाद आगे बढ़ते हुए अब कोलकाता में इसका असर देखने को मिल रहा है, जहां पर भारी बारिश रह रहकर हो रही है। दाना तूफान के असर की कहानी सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं रहने वाली है। इसकी प्रचंड ताकत का असर कई राज्यों पर पड़ने वाला है। दावा किया जा रहा है कि दाना तूफान का सबसे भयानक असर ओडिशा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पड़ेगा। यही वजह है कि केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक दाना तूफान की एक एक पड़ाव पर अपनी नजर बनाए हुए है, क्योंकि भले ही कुदरत की आपदा से तबाही को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उस तबाही के असर को कम जरूर किया जा सकता है। और इसी कोशिश में पूरा प्रशासनिक अमला पल पल की मॉनिटरिंग कर रहा है। और इसी के साथ 3 का तड़का में आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान के साथ।